ये हमारे पोर्ट और सीरीज का पार्ट नंबर 2 है। पिछली वीडियो में तुम्हें याद होगा हमने एक घर खरीदा था और उसके बाद हमने कुछ जॉब्स करके पैसे भी जमा किए थे और फिर हमने एक गेमिंग सेटअप भी बनाया था। पोर्ट और सीरीज के लिए मेरे पास कुछ गोल्स हैं। गोल नंबर 1 के मुझे अपने यूट्यूब चैनल रन करना था और उससे अर्न करना था, ये हो गया है। गोल नंबर 2 को मुझे एक घर लेना है जो कि आज की वीडियो में होगा और गोल नंबर 3 के लिए तुम्हें अगली वीडियो का वेट करना पड़ेगा। हेलो फिक्शन आर्मी, हियर मी फिक्शन गेमर। तो आज की वीडियो में मैं लग्जरी सा हाउस खरीदने वाली हूँ। ओके, तो फाइनली मेरे यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुके हैं। काश मैं ये असल में कह पाती पर मैं नहीं कह सकती। मुझे पता लगा है कि हमारे गांव में एक ATM खुला है जहां पे मेरी YouTube इनकम आई है। पैसा ही पैसा हो गया। अभी जल्द से मैं ATM में पैसे लेने चली आती हूँ। ओके, तो ATM तो काफी अच्छा बनाया हुआ है, अंदर 2 ATM मशीन है। मैं अंदर आ जाती हूँ। इस चाचा से मैं बात करती हूँ तो ये कहते हैं इस चेस्ट में आपका क्रेडिट कार्ड पड़ा है। यहाँ पे मैं अपना कार्ड ढूंढने लग जाती हूँ। यहाँ पे बहुत लोगों के कार्ड थे, जैसे पापड़ी वाला, टिल्लू पिल्लू, छोटू, सबके कार्ड थे। तो मैंने यहाँ पे एक फिक्शन अपना कार्ड ढूंढ लिया है। यहाँ मैं ATM मशीन से अपने पैसे निकाल लेती हूँ और मुझे यूट्यूब वालों ने भेजे टोटल $8 लाख। ये ATM तो काफी अच्छा है पर इसके पीछे बेडरूम का केज क्यों बना है? शायद ये वो है जहाँ पे पैसे सारे स्टोर होते हैं। खैर मुझे क्या, पर यहाँ पे एक न्यू दुकान खुली है जहाँ पे शायद हम घर वगैरह खरीद सकते हैं। यप, यहाँ पे लिखा भी है घर खरीदो, तो मैं इसके अंदर जाके इसके ओनर से बात कर लेती हूँ। ओके, तो गाइस इसने मुझे बोला है कि घर के एड्रेस उस चेस्ट में पड़े हुए हैं, तो मैं जाके ये बुक ले लेती हूँ और इस पे एड्रेस लिखे हुए हैं। और क्या ही अतरंगी एड्रेस है ये, तो सो गया। मैं इसे जाके उठाती हूँ और पूछती हूँ ये क्या लिखा है इसने, पर ये कह रहा है कि मुझे सोना है, सो जा तू। ये पागल इंसान है भाई, ये कस्टमर है, उसको तो डील कर लो तुम। खैर मैं भी अपने घर सोने चली आती हूँ। ओके, सो गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मुझे एक चेस्ट चाहिए अपनी यूट्यूब के इनकम रखने के लिए और मेरे पास लकड़ी नहीं है, तो मैं जाती हूँ लकड़ी तोड़ने के लिए। ओके, तो अभी मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी और मुझे नहीं पता यहाँ पे खाना कहाँ से मिलता है, तो मैं अपने पिक्स को पता नहीं यार मेरे पिक्स को किसने मार दिया। फिर मैं अभी चेस्ट बना के उसके अंदर अपना सारा सामान रख देती हूँ। ओके, सो पहले घर का एड्रेस है जंगल के पीछे, तो हमारे गांव से एक ही जंगल लगता है तो उसी के पीछे होगा। जल्द से मैं उसको ढूंढने चली आती हूँ। ओके, सो फाइनली मुझे ये घर दिख चुका है। ये बाहर से तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो अब हम इसके अंदर जाके देख लेते हैं। इसको अंदर से देखने के बाद मेरे दिल में एक ही बात आ रही है, भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। यार ये घर प्यारा तो है पर मेरे स्टूडियो के लायक नहीं है, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा बड़ा स्टूडियो बनाने वाली हूँ। अब जल्द से जाके मैं इसका प्राइस देख लेती हूँ। अगर इसका प्राइस ज्यादा हुआ तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं खरीदूंगी, बिकॉज ये बहुत ज्यादा छोटा घर है। ओके, सो ये हमें मिल रहा है $2 मिलियन का। व्हाट, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं खरीदने वाली हूँ $2 मिलियन में, बिकॉज ये बहुत ज्यादा छोटा घर है और इसको मैं $2 मिलियन में इम्पॉसिबल। ओके, सो हम अपना अगला घर देख लेते हैं जो कि चेरी बायो में, और चेरी बायो मेरे बिल्कुल सामने है तो मुझे बिल्कुल सीधा सीधा जाना है। ये चेरी वाला घर बहुत ज्यादा क्यूट है पर ये भी बहुत ज्यादा छोटा है, सो मैं इसको नहीं खरीदने वाली हूँ, बिकॉज मैंने एक अपना घर भी बनाना है और अपना स्टूडियो भी बनाना है, सो ये बहुत ज्यादा ही छोटा है। अगर इसका प्राइस स्टेबल हुआ तो मैं इसको अपनी लिस्ट में तो ऐड कर लेती हूँ, पर इसको शायद मैं नहीं खरीदूँ अगर मुझे इससे बहुत ज्यादा अच्छा घर मिल जाए। ओके, सो ये घर हमें मिल रहा है $1 मिलियन का जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं खरीदूंगी, सो ये भी घर रिजेक्टेड। दरअसल बात ये है कि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, मेरे पास सिर्फ $8 लाख है। ओके, सो हम अगला घर देख लेते हैं। अगला घर है चेरी वाले घर के आगे, मतलब इसी के थोड़ा सा आगे डिस्टेंस पे, वो वाला हमें घर मिल जाएगा, सो हम जल्द से जाके वो भी देख लेते हैं। ये घर मुझे सही लगा, थोड़ा सा बड़ा घर भी है ताकि मैं इसमें स्टूडियो भी बना पाऊँ, और इसमें थोड़ा फर्नीचर भी है, उनमें तो फर्नीचर भी नहीं था। पर इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, मतलब $7 मिलियन ये बहुत ज्यादा होते हैं, तो मैं ये घर अपनी लिस्ट में तो ऐड कर लेती हूँ, पर मैं इसको शायद नहीं खरीदूँ अगर मुझे इससे बहुत ज्यादा अच्छी ऑफर मिले। बाय द वे, हम अपना अगला घर देख लेते हैं। सो हमारा जो 4th नंबर का घर है वो है 3rd वाले नंबर के पास ही, मतलब ये जिसने भी एड्रेस लिखी है ना उसका दिमाग बहुत ज्यादा हिला पड़ा था। यार अभी मैं घर ढूंढने चली जाती हूँ। थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे यहाँ पे पूरा टाउन दिख जाता है। अभी यहाँ पे पूरा टाउन बसा हुआ है और मुझे पता भी नहीं है, सो मैं यहाँ पे देखने चली आती हूँ। यहाँ पे रोड है और मार्केट प्लेस भी बनी हुई है। सबसे पहले मेरे पास एक व्हाइट कलर की बिल्डिंग आती है जो कि है पेट शॉप, इसके अंदर हम जाके देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे साइड पे पांडा है जो कि $8 का मिल रहा है, उसके साइड पे हॉर्स है जो कि $10 का, स्केलेटन हॉर्स है, ज़ॉम्बी हॉर्स है, यहाँ पे डोंकी है, कैट है, मतलब हर कोई जानवर यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे मेरी सबसे क्यूट जो मुझे यहाँ का मॉब लगता है वो एक्सोलोटल, वो भी यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे इन लोगों ने डॉल्फिन और फिश भी रखी हुई है। ये चाचा बेच रहे हैं सब कुछ, और ये पीछे इसने एक्सोलोटल लगाई है, सेमियन रेयर एक्सोलोटल फॉर $400। अगर तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सो असल में एक
एक्सेलोटल होती है ब्लू कलर की, जिसकी तुम्हें पीछे यहाँ पे दिख रही होगी। ये एक्सेलोटल बहुत ज्यादा रेयर होती है, तो ये हमें $400 की दे रहा है। थोड़ा आगे जाने के बाद यहाँ पे मुझे एक मार्केट प्लेस दिख जाती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टॉल्स लगे हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा दिखने में अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल है कि एवरी मतलब हर ब्लॉक यहाँ पे माइनक्राफ्ट का अवेलेबल है। यहाँ पे एक बेकरी टाइप कुछ है जहाँ पे खाना मिल रहा है, और यहाँ पे जूसेस मिल रहे हैं। जूसेस यहाँ पे सबसे पहले हमें मिल रहा है ऑरेंज जूस, उसके बाद हमें मिल रहा है लेमनेड, उसके बाद हमें मिल रहा है ब्लड, उसके बाद ब्लड व्हाट द हेल इज दिस, उसके बाद हमें मिल रहा है करेले का जूस। यहाँ पे हमें नॉनवेज मिल रहा है, तो यहाँ से मैं कुक्ड बीफ ले लेती हूँ। थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहाँ पे मुझे नेदर की चीजों का स्टॉल मिल जाता है। ओके, सो यहाँ पे मैंने अभी जस्ट देखा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत बैंगलो है। मैंने कंफर्म कर लिया था कि मैंने यही लेने हैं। सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लोर कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं इसका प्राइस देखती हूँ $8 million, जो कि इसके हिसाब से बहुत ज्यादा कम है, पर मुझे ये भी कमाने में दिमाग खराब हो जाएगा। अभी मुझे पैसे कमाने के लिए जॉब चाहिए, और जॉब के लिए मुझे उस दुकान पे जाना पड़ेगा जिस चाचा को मैंने 2-3 दिन पहले थप्पड़ मारी थी। यहाँ पे मैं घर पहुँच के रात तक यूट्यूब की एडिटिंग करती हूँ, उसके बाद जाके सो जाती हूँ। अभी मैं जॉब वाले अंकल के पास जाती हूँ और यहाँ पे मैं जॉब देखती हूँ। मुझे जॉब मिली, अगर मैं एक ज़ॉम्बी मारूंगी तो मुझे $6,000 मिलेंगे। मैं जल्द से जाके जॉब कर लेती हूँ, ज़ॉम्बी मेरी हेल्प कर 6,000 कमाने में। मैं पैसे लेके बाहर आ जाती हूँ। अब मुझे जॉब करने में मजा नहीं आ रहा, तो मेरा प्लान है बैंक में चोरी करने का। तो यहाँ मैं बैंक को अच्छे से छानने चली आती हूँ कि कहाँ पे मुझे चोरी करनी चाहिए। बैंक के बाहर तो आयरन गोलम खड़ा है, और अंदर जाके देखती हूँ तो यहाँ पे 2 मशीन्स रखी हुई, और यहाँ पे मैं इस चाचा के पास जाके देखती हूँ कि यहाँ पे बेड पड़ा है, मतलब ये रात को सोता है। यहाँ मैं वीडियो बनाते बनाते रात होने का वेट कर लेती हूँ। ओके, सो रात हो चुकी है, मैं जल्द से चली जाती हूँ बाहर। ओके, तो यहाँ मैं छुपके से दीवार के पीछे आके छुप चुकी हूँ। ओके, सो मुझे जल्द से भागते भागते इसके अंदर जाना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ मैं साइड पर छुप चुकी हूँ, और मैंने देखा कि ये अभी तक सोया ही नहीं है। अभी भाई सो जा, रात हो चुकी है, क्या हो गया। आराम से यहीं पे खड़े खड़े तो ब्लॉक माइन कर देती हूँ, और सामने चेस्ट पड़ी है, मतलब कि मैं बिल्कुल करेक्ट थी, यहाँ पे पैसे रखे हुए। ओके, तो मैं जल्द से भाग के उस तरफ चली जाती हूँ, इसको पता भी नहीं चलेगा। 1, 2, 3 चल 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 चल। ओके, तो यहाँ से मैं सारे पैसे उठा लेती हूँ। मैं यहाँ पे पहुँच चुकी है सक्सेसफुली, तो अभी मैं जल्दी से देख लेती हूँ कि वो सोया है या नहीं। ओके, सो यहाँ का जो वर्कर है वो सो चुका है। मैं आयरन कॉलम से बच्चे बचाते अपने घर पे चली जाती हूँ। मेरा मिशन कम्प्लीट हो चुका है, मैंने सक्सेसफुली चोरी कर ली है। ओके, तो अभी मैं इसको ये घर के पैसे पे कर देती हूँ। अब वो घर हमारा हो चुका है फाइनली। घर के पैसे देने के बाद मैं इनको भी पैसे पे कर देती हूँ, ये सारा गेमिंग का सामान मेरे घर पे ही पहुँचा देंगे। ओके, तो यहाँ से मैं अपना सामान ले लेती हूँ शिफ्टिंग का, और मैं इस घर को कभी भी नहीं भूलूंगी। इसका पूरे 2 एपिसोड मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है। तो अभी मैं सारा सामान लेके अपने नए घर की तरफ चली आती हूँ, और रास्ते में मैं आर्मर शॉप से आर्मर भी ले लेती हूँ। ओके, तो मैं घर पे पहुंच के यहाँ पे मैं सामान शिफ्ट कर रही थी, मुझे तब पता चला कि मेरी यूट्यूब की इनकम $8 लाख नहीं, $82 लाख थी, मतलब $8.2 million, और मैंने ऐसे ही बैंक में चोरी की। चलो कोई बात नहीं, पर अब हम इस वर्ल्ड के पूरे बिलियनियर लोग बन चुके हैं। ओके, तो गाइज अभी जो है मुझे घंटी की आवाज आई है, तो यहाँ पे वो लोग आ चुके हैं गेमिंग सेटअप रखने के लिए। तो मैं गेमिंग सेटअप लगाने के बाद मिलती हूँ। ओके, सो इन्होंने सेटअप लगा दिया, अब हम जल्द से घर में एंट्री ले लेते हैं। यहाँ पे मैं एंटर हो चुकी हूँ घर में, और यहाँ पे साइड पे हमें दिखता है एक पूल ओपी सा। जैसे ही घर के अंदर एंटर होंगे, सामने तुम्हें दिखेंगी मेरी बहुत सारी किताबें, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही पढ़ती हूँ। यहाँ पे दिखेगा तुम्हें मेरा बेड, जहाँ पे मैं स्कूल से आते ही पढ़ी जाती हूँ। उसके बाद तुम्हें दिखेगा मेरा स्टोरेज रूम छोटा सा। उसके बाद ऊपर जाने के बाद है रियल खजाना, जो कि है मेरा गेमिंग सेटअप। ये मेरा मेन सेटअप, जहाँ पे मेरा पीसी और मेरा मोबाइल PS5 सब कुछ पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मेरा लैपटॉप और स्पीकर पड़ा हुआ है। उसके बाद साइड पे एक छोटा सा सेटअप है जिसमें मैं घर पे नॉर्मल गेम्स खेल लेती हूँ, जहाँ पे है मेरा लैपटॉप और टीवी। ओके, तो आज की वीडियो में बिल्कुल बिलियनर बन चुकी हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा यूट्यूब सेटअप भी आ गया है। तो तुम जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो। बाय।